हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट राहुल फ्रॉम सुखदेवी पेट किंगडम से। आज हम जिस ब्रीड की बात करेंगे वो कैट ब्रीड में इंडिया में मोस्ट पॉपुलर है, द पर्शियन। हाँ यस, द पर्शियन कैट के बारे में आज हम बात करेंगे इस चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, शेयर इट, लाइक इट एंड कमेंट इट। नाउ वी आर टॉक अबाउट द पर्शियन कैट। पर्शियन कैट एक बहुत ही खूबसूरत ब्रीड है, इंडिया में आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है। ये सबसे पहले 1620 में ईरान से इंपोर्ट हुई थी टू इटली। इटली वालों ने इसको इंपोर्ट करवाया था ईरान से इन 1620 में, और ये टिल लास्ट ऑफ 19th सेंचुरी इसको एक फैंसी कैट के लिए देखा जाता था, फैंसी कैट के तौर पे देखा जाता था। जब तक इसका नाम कुछ पर्शियन कैट नहीं था, इसको सिर्फ फैंसी कैट बोला जाता था। और आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इसको अमेरिका ने फिर ब्रीड करना स्टार्ट किया और इसको डेवलप किया, और फर्स्ट जो इसका कैट शो हुआ था इन 1871 लंदन में हुआ था। पर्शियन कैट्स को कई लोग ईरानी बिल्ली भी बोलते हैं, क्योंकि जो इसका ओरिजिन है वो ईरान से है। इसकी काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत कलर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, अलग अलग शेड्स हैं। जो मेरे को बेसिकली पर्सनली पसंद है, मेरे को इसका एक स्मोकी कलर होता है वो मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है। प्योर पर्शियन कैट की पहचान क्या होती है कि इसके लॉन्ग हेयर्स होते हैं, और ऐसा नहीं कि बड़े होने के बाद, जो इसके लॉन्ग हेयर्स होते हैं ये इसके बचपन से ही होते हैं। इसके फेस पे होंगे हेयर्स, इसके हैंड पे होंगे, लेग्स पे होंगे, फुल बॉडी में हेयर्स होंगे तकरीबन 2 से 2.5 इंच के। और इनको थोड़ा ठंडा इन्वायरमेंट ज़्यादा सही रहता है इनके लिए, क्योंकि बाल बड़े होते हैं, शेडिंग करते हैं। मगर आप इनकी डेली ब्रशिंग करते हो, इनको अच्छा खाना देते हो, जैसे अब रॉयल कैनिन आए हुए हैं तो काफ़ी अच्छे अच्छे मार्केट में फ़ूड अवेलेबल्स हैं। जब आप इनको खाना अच्छा देते हो, इनकी डेली ब्रशिंग करते हो, इनको प्यार करते हो, इनको स्ट्रेस में नहीं जाने देते, तो इनकी शेडिंग कम हो सकती है। पर्शियन कैट्स जो हैं काफ़ी प्लेफुल होती है, काफ़ी नोटी होती है। ये सबसे ख़ास बात जो मुझे पर्शियन कैट्स की लगती है, जब ये चलते हैं ना, दे जस्ट वॉक लाइक अ टाइगर। हाँ, एक हाथ के बाद जब ये दूसरा हाथ रखते हैं काफ़ी स्लोली रखते हैं, और उसकी आपको आवाज़ तक नहीं आएगी। जहाँ से भी चल के जा रहे होते हैं वहाँ पे आपको बिल्कुल आवाज़ नहीं आती। खाना खाते हैं वो भी काफ़ी रॉयल तरीके से खाते हैं, पानी पीते हैं वो भी काफ़ी रॉयल तरीके से पानी पीते हैं, चलते हुए खेलते हुए। और इतनी ये प्लेफुल होती है कि जैसे ही आप कहीं जाते हो एकदम चुपके से आएगी और एकदम आपके सामने, आप एकदम सरप्राइज हो जाते हो ये क्या हुआ। काफ़ी लॉयल ब्रीड है, जब बैठती है तो एक इनमें रॉयलनेस अलग से है। पहले के टाइम के जो राजा महाराजा होते थे ये एक दूसरे को इसको गिफ्ट किया करते थे पर्शियन कैट को, तो एक इसके अंदर जो रॉयल फैमिली के साथ काफ़ी अरसे से जुड़े रहने के कारण एक रॉयलनेस इस ब्रीड के अंदर इनके DNA में आ गई है, इनके जीन्स में आ गई है। जैसे ये बैठती हैं, जैसे ये घूमती है, एक लगता है कि एक ये रॉयल फैमिली से कुछ एनिमल बिलोंग करता है। काफ़ी अच्छी ब्रीड है ये। पर्शियन कैट्स जो होती हैं इनका प्यार करने का तरीका अलग होता है डॉग से। ये जब आपके साथ खुश होती है, या आपको ये अपना ओनर मानती है, या आपके साथ जब ये सेफ फील करती है, ये आपको लिक करती है। सेकंड थिंग, ये अपनी बॉडी आपकी बॉडी से रब करती है। थर्ड, ये जब आपको फेथ करती है आपके ऊपर तो ये पूरी उल्टी होकर लेट जाती है जस्ट लाइक डैट, और अपना स्टमक वाला पोर्शन ये आपके साइड करती है। ये कैट्स के अंदर खासियत होती है, जिसको पर फेथ नहीं करती उसको अपना स्टमक नहीं दिखाते हैं ये, क्योंकि स्टमक जो होता है इनकी बॉडी में सबसे वीक पार्ट होता है। तो कोई भी अगर प्रीडेटर होगा या कुछ होगा तो सबसे पहले इनके स्टमक पे अटैक करेगा, तो इसलिए ये ईजिली अपना स्टमक किसी को नहीं शो करती, उसके साथ कम्फर्टेबली स्टमक ऊपर करके नहीं सोती। ये एक इनके अंदर खासियत होती है। इंसानों के साथ तो क्या होता है, आप किसी को हग कर सकते हो अपना प्यार दिखाने के लिए, मगर कैट्स के साथ क्या होता है, ये आपके साथ रब करेंगी, आपके साथ लग के सो जाएंगी, आपको लिक करेंगी, और ये स्टमक वाला पोर्शन काफ़ी अच्छी होती है, हेल्दी होती है, बच्चों के साथ बहुत अच्छा रहती है, काफ़ी प्लेफुल है उनके साथ ये, और बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होती है, बहुत ज़्यादा। और सेकंड थिंग, इनका पूरे दिन में 24 घंटे में से तकरीबन ये 16 से 17 घंटे सोती है। हाँ सही सुना आपने, 16 से 17 घंटे सोती है, और सोते हुए बड़ी क्यूट लगती है।
काफ़ी क्यूट लगती है। 16 से 17 घंटे सोना एक एनिमल का, मगर जितने टाइम भी आपके साथ खेलती है, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ एंथुसियाज्म। और इनकी एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए अगर ये बच्चों के साथ खेले तो ज़्यादा अच्छा रहता है। बच्चे भी फुल एनर्जी होती है, जैसे ह्यूमंस के बच्चों में होती है, ऐसी इसके अंदर फुल एनर्जी होती है। और ये फुल बच्चों के साथ फुल मस्ती, फुल धमाल पूरा वो खेलती है। हाँ, मगर याद से इनकी ब्रशिंग डेली करना काफ़ी ज़रूरी है। और इनको खाना अच्छा खिलाओ तो इनका जो कलर है, उसका जो इनका कोट है उसका कलर भी एक अलग से शाइनिंग आता है, इनका कलर भी इन्हेंस होता है। हमारे पास कुछ पर्शियन कैट्स आई हुई हैं, किटन्स आई हुई हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। आप मुझे कमेंट करके बताना कैसी लगी आपको, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। अगर आपको इस तरीके की वीडियोस पसंद आई तो इस चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आप लोगों के सब्सक्राइब करने से, शेयर करने से, लाइक करने से मेरा हौसला बढ़ता है और मैं मोटिवेट होता हूँ ऐसी और वीडियो बनाने के लिए। जय हिंद, जय भारत।